मजाक बना रहे हैं। अच्छा, मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। मैं हिंदू हूँ, आप कब से हो गए, मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद। हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदू, मैं मुस्तकिल हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। मेरा इशारा जनाब राम पर कांट बेखुद से है। मैं बराह रास्त उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। राम पर कांट बेखुद मुशायरे की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत कम वक्त में राम पर कांट बेखुद ने उर्दू अदब के हवाले से बहुत तवील सफर किया है। इन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपने मुनफरिद लबो लहजे की शायरी से उर्दू अदब को मुतासिर किया है। मैं फिर से एक बार बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि राम पर कांट बेखुद साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सूफी सैयद इजहार अली साहब बार बार मुझसे ये फरमा रहे हैं कि वासिफ भाई को बुला लिया जाए। मैं बहुत पहले उनको बुलाना चाहता था। मैं समझता हूँ वासिफ भाई बहुत देर तक फर्श पर नहीं बैठ पाते हैं और टेक लगाने वाली कोई भी कुर्सी होती है मैं देखता हूँ बहुत देर तक वो बैठ जाते हैं। लेकिन मैं वासिफ भाई से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद का हुक्म है और वासिफ भाई मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और इनसे मैंने शायरी की दुनिया में चलने का सलीका सीखा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए राम प्रकाश बेखुद साहब माइक पर। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और भैया मुझे याद करते हैं ये मेरे लिए फख्र की बात है। सलाम अर्ज करता हूँ आप सभी हजरात को। लेकिन एक शिकायत भी दर्ज करनी है कि आप लोग खामोशी से काम लेते हैं, आजकल वो जोश नहीं रहे आप लोगों। पहले जैसा जो मुशायरा सुना जाता था यहाँ उस तरीके से नहीं सुना जाता। कोशिश ये कीजिए कि बेदार होकर मतलब एक शेर फकीर हो के शहंशाह चाहते हैं सब, फकीर हो के शहंशाह चाहते हैं सब, तेरा करम मेरे अल्लाह चाहते हैं। फकीर हो के शहंशाह चाहते हैं सब, तेरा करम मेरे अल्लाह चाहते हैं सब। मुरीद हो के मुजाविर हो या के मंगता हो, मुरीद हो के मुजाविर हो या के मंगता हो, किसी बुजुर्ग की दरगाह चाहते हैं सब। बहुत खूब बहुत खूब। मुरीद हो के मुजाविर हो या के मंगता हो, किसी बुजुर्ग की दरगाह चाहते हैं सब। एक नात मोहतरम असद साहब ने पेश की थी, वो अपने अंदाज की और अपने रंग की रवायती जो नात का रंग है वो पेश कर रहे, तो मैं एक जदीद नात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब देखे खास तौर से यकीन मानिए शत प्रतिशत फ्री। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, शत प्रतिशत फ्री। यकीन मानिए शत प्रतिशत फ्री, मदीने के जायर को जन्नत फ्री। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है। यकीन मानिए शत प्रतिशत फ्री, मदीने के जायर को जन्नत फ्री। उस ये देखे कि हर एक काम में खैर, मतलब ये भी कि हर एक काम में खैरो बरकत फ्री। वाह, हर एक काम में खैरो बरकत फ्री,
शरीयत पे चलिए तो सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान काम में खैर व बरकत फ्री, शरीयत पे चलिए तो सुन्नत फ्री। और यहाँ से शेर देखें कि हबीबे खुदा की इनायत के साथ, हबीबे खुदा की इनायत के साथ खुदा का करम और रहमत फ्री। वाह 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 क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। खुदा का करम और रहमत फ्री, और तवाफे हरम तो है हज का सिला। शेर सुनिए खासतौर से कि तवाफे हरम है तो हज का सिला, दर मुस्तफा की जियारत फ्री। वाह 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 क्या बात, दर मुस्तफा की जियारत फ्री। और खरीदार बन इश्के सरकार का, खरीदार बन इश्के सरकार का, गुलामी में है बादशाहत फ्री। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत आला है, बहुत आला, बहुत आला। खरीदार बन इश्के सरकार का, गुलामी में है बादशाहत फ्री। और ये नूरे पैगंबर वो नूरे खुदा, ये नूरे पैगंबर वो नूरे खुदा, ये नूरे पैगंबर वो नूरे खुदा, इमामत ये नूरे पैगंबर वो नूरे खुदा, इमामत के सदके रिसालत फ्री। ये नूरे पैगंबर वो नूरे खुदा, इमामत के सदके रिसालत फ्री। और जो बेखुद का उनका करम हो गया, जो बेखुद का उनका करम हो गया, तो बख्शिश बरोजे कयामत फ्री। अरे वाह वाह वाह, तो बख्शिश बरोजे कयामत फ्री फ्री। वाह वाह क्या बात। चार मिसरे मैं चाहता हूँ कि तीसरे बीच का हक काफी अदा कर सकते थे बेखुद भाई। मैंने मैं कर रहा हूँ कोशिश ये कि अभी जो सुनाना है सुना दो, बाद में पता नहीं पढ़वाया जाए या ना पढ़वाया जाए, क्योंकि पिछली बार ये हादसा हो चुका है। चार मिसरे के जुल्म के बाज में ताकत नहीं इतनी बेखुद, जुल्म के बाज में ताकत नहीं इतनी बेखुद, वो किसी सब्र की शाहीन पे कब्जा कर ले। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बाज में जुल्म के बाद में ताकत नहीं इतनी बेखुद, वो किसी सब्र की शाहीन पे कब्जा कर ले। उससे कह दो कि तेरा ख्वाब न पूरा होगा, चाहता है जो फिलिस्तीन पे कब्जा कर ले। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह अल्लाह वाह वाह क्या बात। जुल्म के हाथ में ताकत नहीं इतनी बेखुद, वो किसी सब्र की शाहीन पर कब्जा कर ले। उससे कह दो कि तेरा ख्वाब न पूरा होगा, चाहता है जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले, चाहता है जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले।